हेलो प्यारे छात्रों, कैसे आप लोग। मैं अवनीश वाजपेयी, डायरेक्टर हिस्टोरिका, आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है आज का मेगा शो जिसका नाम है करेंट अफेयर्स डेली न्यूज अपडेट एंड क्विज। ये क्विज आज हिंदी भाषी छात्रों के लिए है। उम्मीद करता हूं आप सबको ये पसंद आएगा। तो आज की तारीख से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम यहाँ पर दिखेंगे, और जिन भाइयों ने और जिन छात्रों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सिर्फ एक बटन आपको दबाना, लाल वाला, सब्सक्राइब वाला। चलिए आते हैं आज के पहले सवाल पर। पहला सवाल आज का है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल को लॉन्च किया है। जन सूचना पोर्टल यानी जिस पोर्टल पर तमाम तरीके की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया हुआ है राजस्थान सरकार ने, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने, और इसने तमाम जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और जिम्मेदारी लाने के लिए जन सूचना पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके बाद लोगों को तमाम तरीके की सूचनाएं लेने के लिए कोई भी तरीके की RTI लगानी नहीं पड़ेगी और उनको तमाम विभागों से जुड़ी हुई सूचनाएं मिल जाएंगी। इनमें 1300 जो विभाग है उनको जोड़ा गया है, जिनमें एजुकेशन है, ऊर्जा है यानी एनर्जी है, पंचायती राज है, राजस्व विभाग वगैरह है। राजस्थान ही वो पहला राज्य था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। आते हैं आज के दूसरे सवाल पर। इनमें से किसको आंध्र प्रदेश का पहला लोकायुक्त बनाया गया हुआ या नियुक्त किया गया हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको लोकायुक्त के बारे में पता होना चाहिए। ये आंध्र प्रदेश का जो लोकायुक्त बनाया गया हुआ है वो बनाया गया पी लक्ष्मण रेड्डी। ये आपके रिटायर्ड सेवानिवृत्त यानी न्यायाधीश रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के उच्चतम न्यायालय के। और जो ये लोकायुक्त बनाए गए हुए हैं इनका जो कार्यकाल रहेगा ये कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा। यानी ओम्बुड्समैन जो ये आंध्र प्रदेश के पहले बनाए गए इनका कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा। और आपको पता है आंध्र प्रदेश में सरकार है किसकी, जगन मोहन रेड्डी की, जिनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। और आपको ये भी पता है इन्होंने भी हाल ही में लोकायुक्त अधिनियम बदलाव किया था और इसके तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीश को क्या किया जा सकता है, लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकता है। आते आज के तीसरे सवाल पर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस आपको पता होना चाहिए आज ही की तारीख यानी 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, जनरली ये माना जा रहा है कि जो ओजोन लेयर है जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में पाई जाती है उसमें कुछ छिद्र हो रहे हैं। जो पृथ्वी का नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव उसके ऊपर ओजोन परत बहुत पतली हो गई है या वहां पर आपके होल भी पाए जा रहे हैं। तो दुनिया ओजोन लेयर जो सन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेजेस है उनको रिफ्लेक्ट करती है और हमें तमाम भयंकर बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। इसी को लेके कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहां पर एक संधि हुई थी जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम पर जानते हैं और इसको ओजोन की परत में सुधार के तौर पर देखा जाता है। और ये संधि 16 सितंबर को साइन की गई थी, इसी वजह से 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। और हर साल की एक अलग थीम तैयार की जाती है। इस साल जो विश्व ओजोन दिवस 2019 की थीम थी वो थी 32 इयर्स एंड हीलिंग। 1987 में पहली बार आपका ये समझौता साइन हुआ है और 1987 से 2019 32 इयर्स हो चुके हैं। इसी वजह से इस बार की थीम थी डियर स्टूडेंट्स 32 इयर्स एंड हीलिंग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4th, हाल ही में किस भारतीय ने दुनिया की सबसे कठिन माने जाने वाली रेस एंडोरोमन ट्रायथलन को रिकॉर्ड समय जीत लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है क्या ट्रायथलन, ट्राई का मतलब 3। ये पर्टिकुलर रेस जो होती है इसमें किसी को भी आपका यूरोप में ये रेस कंडक्ट होती है और इस रेस में लंदन से पेरिस तक यात्रा करनी होती है। जी हाँ, लंदन से पेरिस तक, सही सुना आपने। और ना कि सिर्फ आपको चलना होता है या दौड़ना होता है, आपको 3 चीजें यहां पर एक्सरसाइज करनी होती है। आपको दौड़ना भी होता है, तैरना भी होता है और साइकिल भी चलानी होती है। तो भारत के मयंक वैद्य ने इसको रिकॉर्ड टाइम, जितना पिछले रिकॉर्ड था उससे करीब 2 घंटे कम समय इन्होंने लिया हुआ है। ये पहले भारतीय ही नहीं है, पहले एशियाई है जिन्होंने इस रेस को जीता हुआ है।
इसके लिए मयंक को करीब 140 किलोमीटर दौड़ना पड़ा है, करीब 33.8 किलोमीटर तैराकी की हुई है और 289.7 किलोमीटर साइकिल चलाई। इसका मतलब ये हुआ कि मयंक वैद्य ने लगभग 463 किलोमीटर की इस पूरी रेस को रिकॉर्ड टाइम में तय किया और जिसपे उन्होंने तीन अलग अलग तरीके की चीजों को पार किया। अगला सवाल आते हैं पांचवा, हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी किस शहर में समुद्री संचार सेवा का आरंभ किया हुआ है? तो ये इसका सही जवाब है मुंबई। मुंबई में आपका इस कंपनी ने समुद्री संचार सेवा का प्रारंभ किया और ये पहली ऐसी भारतीय कंपनी है जो समुद्री क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराएगी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चोरी हुए मोबाइल फोन्स को ट्रैक करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो भाई मोबाइल चोरी से हम लोग ग्रसित है, मोबाइल चोरी अगर हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती, एक तो तमाम डेटा लीकेज की संभावना, उसके अलावा तमाम और समस्याएं हमारे सामने आती है। तो अब इसकी रिपोर्ट अपने आप में दर्ज कराना एक बड़ा ही मुश्किल काम है। महाराष्ट्र सरकार ने एक सीधा सीधा काम किया हुआ, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें आप एक पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर अपने जो मोबाइल फोन चोरी हुआ गुम हुआ उसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इससे होगा क्या, डायरेक्टली इस मोबाइल फोन को ब्लॉक करेगा जिससे आपका चोरी हुए मोबाइल फोन के पुनः उपयोग की संभावनाओं को रोका जा सके। तो महाराष्ट्र सरकार का ये कदम बड़ा ही सराहनीय है और आम जनमानस के लिए काफी ज्यादा उसको आसानी देने वाला एक कदम है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, हिंदी दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? सवाल ध्यान रखिएगा, हिंदी दिवस की बारे में बात हो रही है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कारण इसका यह कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आपको पता है हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से है, दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में चीन की मंडारिन आती है, उसके बाद इंग्लिश है। तो इस तरीके से हिंदी भाषा भी आपका टॉप की तीन चार भाषाओं में शामिल है। और इस समय अगर हम बात करें कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस का तात्पर्य इस वजह से है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और इसी वजह से हर साल हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। जबकि अगर आपको विश्व हिंदी दिवस की बात की जाए तो विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है और पिछली बार आपका जो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था वो मॉरिसस के सेंट लुई में मनाया गया हुआ था। तो ये 2018 में मनाया गया हुआ था, 2019 में अभी इस बार सेलिब्रेट नहीं किया गया। अगला सवाल आते हैं आठवां, भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने 150 प्रारूप में लगातार चौथे IBBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स खिताब के साथ अपने करियर का 22वां वर्ल्ड खिताब जीता? ये दोनों खिलाड़ी जो पंकज आडवाणी और गीत सेठी हैं, दोनों भारत के बिलियर्ड्स के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी, तमाम एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है। तो डियर स्टूडेंट, पंकज आडवाणी रिलेटेड है बिलियर्ड से और आपको ये भी समझना चाहिए, ये भी आपको जान के ताज्जुब होगा, पंकज आडवाणी न किसी बिलियर्ड्स के विश्व विजेता है बल्कि एक खेल और स्नूकर के भी विश्व विजेता है। इन्होंने अपना पहला बिलियर्ड्स विश्व खिताब 2009 में जीता था। इनकी उम्र मैच अभी 34 साल है और ये पिछले 6 साल में आपका 5वां खिताब इन्होंने अपना जीता हुआ IBSF का। तो आगे आते हैं नवे सवाल पर, हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर किस भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को नियुक्त किया गया? जितने भी यहां पर ऑप्शन है सभी आपका भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। हरियाणा से इनमें से अगर आप देखेंगे संबंध किसका, जवाब आपको मिल जाएगा, कपिल देव का संबंध हरियाणा से है। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देश की तीसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, इसके पहले एक यूनिवर्सिटी गुजरात में जिसका नाम है स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी चेन्नई में जिसका नाम है तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ये दो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भारत में संचालित है, तीसरी यूनिवर्सिटी बनाई गई हरियाणा में और हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने आपका जो कपिल देव जी है जो कि हरियाणा राज्य से ही आपका बिलोंग करते हैं उनको इसका चांसलर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था ने गुरु नानक देव की रचनाओं को अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया हुआ है? तो सही जवाब है इसका बी ऑप्शन, यानी यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसने गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर उनकी रचनाओं के संग्रह का विश्व की तमाम भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे अब तक के आपका 16 तारीख के जो
अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंट अफेयर से रिलेटेड हो सकते थे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके के लगातार अपडेट्स और ढेर सारे वीडियोज और अति महत्वपूर्ण तमाम चीजों के लिए जो कि आपको उनको नोटिफिकेशन मिलते रहे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। अगली कड़ी के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू ऑल।